स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और खास करके उस्मान भाई को जिन्होंने इतनी मेहनत लेकर इस कार्यक्रम की तैयारी की थी, लेकिन जैसे कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हमारी पूरे पूरे अच्छी कामनाओं के बाद हम लोग यही कोशिश करते हैं और सभी सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों ने यही तय किया है कि हम लोग आपकी सोसाइटी में आए, एक एक कार्यक्रम आपके साथ रखें ताकि आपके सोसाइटी के मेंबरों से मिले और उनको भी हमारे मूवमेंट में जुड़ने की कोशिश करें। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत जिम्मेदारी है और उन्होंने जितना उनका टेन्योर रहा उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी से निभाया है और बहुत ही यशस्वी सीनियर इंस्पेक्टर रहे हैं। जब जब सोशल काम हुआ है वो आगे आए हैं और मुझे यकीन है कि इसी प्रकार वो अपने एरिया का लॉ एंड ऑर्डर जैसे उन्होंने बरकरार रखा है वैसे ही रखेंगे। सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं मालूम है मंगल नगर में उस्मान भाई आप थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं, थोड़े से आपके ऑफिस बेयरर्स का थोड़ा सा मतभेद था, किसी का ये विचार था कि वो जो पुलिस चौकी गिर गई है सर शायद उसको निकालने के लिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये चौकी अगर प्रकाश विडवानी जी यहाँ है तो बताएंगे कि वो चौकी विजय गौतम जी की सहायता से बनी थी उस वक्त 1992-93 में। और आज मैंने परसों भी बड़बुद्धर साहब से बात की थी कि वो चौकी को या तो बनाइए या तो उसे निकाल दीजिए क्योंकि इसमें कोई गैर समझ नहीं होना चाहिए कि वो चौकी वहाँ पे क्यों है, या तो वो लोगों के फायदे के लिए रहे या उसे निकाला जाए ताकि उसका कोई भी गैर उपयोग नहीं करे। मेरी आपसे ये गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं उसमें से आपको क्या लगता है उस जगह पे रहने से चौकी के लोगों को फायदा होगा या नमस्कार सलामकुम। अगर चौकी रहेगी तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा और सर की सुपरविजन में अगर पुलिस चौकी रहेगी और उस पर बराबर प्रॉपर तरीके से कोई ऑफिसर को वहाँ अपॉइंट किया जाए कि बीच की चौकी में वो अपॉइंट हो तो मेरे ख्याल से वर्षा में हरी रोड के बहुत से मसले हैं जो इस बीच चौकी में क्लियर हो सकते हैं। और मैं अगर सर के सुपरविजन में और सबके सुपरविजन में और आप सबकी उपस्थिति में अगर चौकी सर ओके करते हैं और उसका जो भी बनाने का खर्चा थोड़ा मैं करने को तैयार हूँ, मैं चौकी बनाने को तैयार हूँ पूरी तरह से जिस तरह से साफ होगी, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि साहब चौकी आप बनाइए और उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करिए ताकि हम सब लोगों को उसमें सहायता भी मिले और हमारी तरफ से जो सहयोग होगा हम सब पूरे एरिया के आपके साथ में खड़े रहेंगे। उपस्थित नागरिक वर्सोवा पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन में यहाँ के सभी हाउसिंग सोसाइटीज के चेयरमैन और ये प्रोग्राम के बारे में मुझे दो तीन दिन पहले बताया गया तो आने सर ने मुझे बताया कि सर आपको आने का है तो मैंने बोला मैं जरूर आऊँगा। उसमें मेरा एक उस वक्त बात भी है, अभी मेरे अजय सर से बात हुई मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका जिन्होंने मिलके एक स्वच्छता अभियान हमने आयोजित किया है 15 अगस्त तक, मतलब हमारा अभियान चालू हो गया है ऑल ओवर मुंबई में जितने भी 100 के आसपास जो पुलिस स्टेशन है हर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज उसका स्टाफ उनके अमलदार लोग PMC और आप जैसे लोग अभी यह अवसर मुझे इतना अच्छा मिला है कि मुझे इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग अगले हफ्ते में हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं, पूरा BMC का स्टाफ रहेगा, आप लोग हमारे साथ में रहेंगे और जितने भी सोसाइटीज रहे उनके चेयरमैन उनके वॉलंटियर्स पब्लिक पुलिस ये सब मिलके वर्सोवा क्लीन का मेरा जो सपना है, मैं जब यहाँ पे आया था मैंने पहली बार बोला था कि क्लीन होना चाहिए ये मेरी इच्छा है तो बहुत से लोगों ने उसको ये किया था और योगा योग बोले कि गवर्नमेंट ने BMC ने और हमारे CP साहब ने ये प्रोग्राम आयोजित किया और वो हो रहा है पूरे बॉम्बे में हो रहा है तो और बॉम्बे में जो स्वच्छता हो रही है वैसा अपना वर्सोवा में फर्स्ट नंबर आना चाहिए ये मेरी इच्छा है। तो आप अगर मुझे मदद करते हैं मेरे लिए वॉलंटियर मेरे साथ में आते हैं, अजय सर तो मेरे साथ में है उनके साथ जितने भी ये है वो आप मेरे साथ में आना चाहते हैं
ओके, तो अगले हफ्ते में मैं प्रोग्राम का डेट और टाइम डिसाइड करके आजय के आजय सर के थ्रू आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट उसका एक टाइम देना चाहता हूँ और आप लोग सब जुड़ेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वर्कशॉप के दौरान में कोई टाइम लग सकता है। तो आप लोगों की मदद से और मुंबई पुलिस पीएमसी इनके तरफ से हम जो स्वच्छता अभियान ले रहे हैं उसमें आप लोग योगदान करें और स्वच्छता के लिए आप सब लोग आगे आए क्योंकि अपने जो पत्र प्रधान है मोदी जी उनका भी एक सपना है कि पूरा भारतवर्ष स्वच्छ रहे स्वच्छता रहे, इसलिए आप सब लोगों ने आगे आना चाहिए। मैं सबको पुनः एक बार विनती करता हूँ कि उसमें आप सब आगे रहो। हमारा जो जिम्मेदारी थी जो हमने किया और मैं हमारे अजय सर से यही कहूंगा कि हम आपके साथ हैं और यूं ही चलते रहे, डेफिनेटली हम हमारा गोल जो है वो अचीव करेंगे। धन्यवाद। एसोसिएशन से वो जुड़े हुए हैं, आई थिंक मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, वो सभी संस्थाओं से जुड़े हैं और उनका काफी सोशल काम इस इलाके में है। आई विल रिक्वेस्ट इरफान जी टू प्लीज एड्रेस द गैदरिंग। अजय कौंसलर साहब, ऑडियंस में बैठे हुए भाइयों बहनों, सीनियर इंस्पेक्टर साहब, रविंदर साहब और मेरे साथी चेयरमैन एंड सेक्रेटरीज ऑफ सोसाइटीज, मैं भी आपके छोटी सी बिल्डिंग का यहाँ पे चेयरमैन हूँ। ये आज की आवाज की तरफ से एक छोटी सी थी। सभी हमारे गेस्ट से गुजारिश है कि ये छतरियों का इनॉग्रेशन करें। हम सब इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं एज अ फैमिली एंड फॉर दैट कांग्रेचुलेशन सर। आज की आवाज की तरफ से आप सबका स्वागत है। एक बार फिर माफी मांगते हुए कि आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट हुआ यहाँ तक आने के लिए, इस माफी के साथ आज की आवाज के बारे में थोड़ी सी मालूमात। आज की आवाज एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है जिसका उद्देश्य प्योरली एपॉलिटिकल है, इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध नहीं है, ये सिर्फ लोगों के हित में काम करने के लिए सोसाइटी बनी है। आज की आवाज ने तीन कार्यक्रम लिए हैं, आपको याद होगा सबसे पहले हम लोगों ने एक प्री प्लांटेशन ड्राइव किया था इसी विभाग में यारी रोड पर और लगभग वहां पे सिटीजंस और 3,000 से 4,000 बच्चे और नागरिक यहाँ के उसमें उपस्थित हुए थे। उसके बाद एक दूसरा अवेयरनेस रैली हुई अंधेरी विभाग में जहाँ लगभग 5,000 से 6,000 बच्चे और नागरिक इकट्ठा हुए थे। इस प्रकार से ये दो और एक्टिविटी आज की आवाज ने दी थी और उसके बाद आज ये जो एक्टिविटी होने जा रही है वो है अम्ब्रेला फीस डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको पता होगा कि आज की आवाज हर सोशल इश्यूज जो लोगों से संबंधित है, जो लोगों के हित में है, जो लोगों के फायदे के लिए है, उसके लिए मेरी एक कोशिश है कि सारे लोगों को किस तरह से इकट्ठा करें। मेरा बेसिक सोशल काम शुरू हुआ था मौला कमेटी के जरिए जो आज तक हम करते हैं। 93 में हमने शुरुआत की थी मौला कमेटी के साथ जिसके चेयरमैन मिस्टर रिवेरो हैं जो मौला कमेटी के अध्यक्ष हैं। मौला कमेटी का उद्देश्य बहुत ही सिंपल है, उसका उद्देश्य है अमन प्रेम शांति अपने विभाग में किस तरह से रखा जाए। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.
Thank you.